हेलो दोस्तों, मैं अर्चना अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य व्रत कथा की छठी कहानी बताने जा रही हूँ। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब दो घड़ी रात शेष रह जाए तब तेल कूच अक्षय चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दूना फल होता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः एवं आचमनीय आदि देवे अर्घ मंत्र ये है। हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलशायी भगवान आपको नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक पक्ष में विधिवत प्रातः स्नान कर रही हूँ। आपकी ऐसी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाए। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देती हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रतीक दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। विष्णु शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल और आमले का सूर्ण लगाकर विधवा स्त्री व जति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, तृतीया, दशमी आदि तिथियों को आमला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था वही पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों के सारे इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं, अतः वो मुझको पवित्र करें। बीजो रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियों, संपूर्ण तीर्थों, सातों समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और सब औषधियों, तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता ऋषि मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उनसे वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करते भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ दें। अर्घ मंत्र का अर्थ ये होता है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, हे विष्णु जी राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। पश्चात चंदन फूल और तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मण का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग ना इनका अपमान करें और ना इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्र चित्र से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी आपको प्रणाम है, आप मेरे सब पापों का नाश करो। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वो संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सारे रोगों का नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है।